गाते गाते आ रहे हैं भाई कि स्वामी का विवाह है। तो जैसे बच्चों के दृष्टि पड़ी डाकनी पिसाचनी भूत प्रेत, अरे बच्चे इतने तेज भगे घर से, वहां से इतने तेजी से भगे कि दौड़ करके दरवाजा बंद कर लिए अपना अपना। क्या बोलते हैं अपनी माँ से कि जब की धार के धावा परियाता, अरे अबारात है कि जब के तू कहे भैया, अरे भैया दरवाजा बंद कर लो, दरवाजा खोलना मत, सब भूत प्रेत बारात में आए हैं। सारे बच्चे डर के मारे अपने अपने घर में दुबक गए, कोई माँ के गोद में बैठ गया, अरे भैया पहले तो बाराती बहुत अच्छे अच्छे आए, पर भैया अब हम बारात देखने नहीं जाएंगे, अरे बड़े भयंकर भयंकर भूत आए हैं। बच्चे डर के मारा घर से नहीं निकल रहे थे, और उधर बाबा का स्वागत हुआ। मैया मैना अपनी सखियों के साथ दूल्हा सरकार की आरती के लिए आई है। मैया ने देखा देवताओं को तो बड़े प्रसन्न हुए कि नारद बाबा तो बता रहे थे कि मंगल में सहे लगता है, सब तप के प्रभाव से ठीक हो गया, पर मैया को पता चला कि नहीं ये दूल्हा सरकार नहीं है, दूल्हा सरकार आने वाले हैं। और मैया सिर झुकाए चली जा रही है सखियों के साथ, बाबा शिव खड़े हैं। और मैया जैसे ही आरती करना चाहा, सर्प लगा है गले में, तुरंत आवाज लगाई। भगवान का जब विकराल स्वरूप देखा तो आरती कौन करे, आरती तो जमीन पर गिर गई धड़ाक करके, और मैया बेहोश। मैया बेहोश सखिया लेकर के भी रनिवास में छींटे लगाई। मैया को होश आया, मैया को आज जब होश आया तो नारद बाबा को आज बहुत खरी खोटी सुनाने लगी, अरे नारद तुम क्या जानो परिवार क्या होता है, तुम्हारे पास तो ना पत्नी है ना बच्चे हैं, तुम क्या जानो संतान की पीड़ा क्या होती है, अरे नारद ऐसा वर बताया, इसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह नहीं करूंगी, या तो इस कन्या को लेकर के जल में डूब कर मर जाऊंगी, पर्वत से गिर जाऊंगी, अग्नि में जल जाऊंगी, पर इस पागल के साथ मैं अपनी कन्या का विवाह नहीं करूंगी। आज नारद बाबा को बहुत खरी खोटी सुनाई है, अरे नारद, अरे तुम तो वही हो जो दक्ष के 10,000 पुत्रों को सन्यासी बना दिया था, अरे क्या बिगाड़ा था छोटे छोटे पुत्रों ने दक्ष के, जो सन्यासी बना दिया, तुम्हारा काम ही यही है। नारद बाबा आज, नारद बाबा भी आ रहे हैं, प्रवेश द्वार पर पहुंचे हैं, और इधर मैया मैना जो है आज बहुत नारद बाबा को खरी खोटी सुना रही है। जब द्वारपाल देखे कि अब नारद बाबा आ गए हैं, तो नारद बाबा से कहा जाओ जाओ, अब कोई आपका स्वागत करने वाला चरण धोने वाला नहीं है, क्यों, क्योंकि आप ऐसा वर बता दिए हो, जाओ बड़ा अच्छा स्वागत होगा। नारद बाबा बोले क्या बात है यार, पर संत को क्या, संत को अपमान हो तब भी समदृष्टि, अगर सम्मान हो तब भी सम्मान, उनको अपमान और सम्मान से कोई मतलब नहीं है। नारद बाबा गए और जैसे मैया ने देखा, आओ नारद आओ आओ, जहां देवर से कहते थे आज शब्द बदल गए मेरे प्यारे। नारद बाबा आज खड़े खड़े सुन रहे हैं और मैया बोल रही है। जब मैया बोलना बंद कर दिया तो नारद जी ने कहा कि हे देवी और कुछ कहना है, और कुछ कहना है कि कह चुकी। तो मैया ने कहा कि अब क्या कहना है, अब कुछ नहीं कहना है, इस वर के साथ मैं अपनी कन्या का विवाह कतई नहीं करूंगी, नारद तुम्हारा कहा अब सत्य होने वाला नहीं है। नारद जी ने कहा कि अच्छा तो ये बताइए, ये जिनका विवाह आप करने जा रहे हैं शिव के साथ, इनके बारे में क्या जानती हैं आप। बोले अच्छा, इतनी बड़ी से
सेवा करके आज इतनी बड़ी हो गई। नारद कहते हो कि इनके बारे में क्या जानते हो? अरे नारद, ये हमारी बिटिया है। बोले बिटिया तो है देवी, पर आप जानते नहीं कि ये कौन है। अरे ये परामा है, ये जगत जननी है, ये तो सदा शिव की ही है। ये तो आपको मान देने के लिए आपके यहाँ जन्म हुआ है। बहुत समझाया, अब मैया मैना जो है प्रसन्न हो गई। शिव के बारे में बतलाया, जब प्रभाव को जाना तब अब विवाह होने की बारी आई।